बीच आ गई है, एक बार जोरदार तालियां, कोई तालियां बजानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। देखिए कितने हमारे भाग्य है जो हमारे बीच में बहन गायत्री जी, चौधरी देवीलाल जी की पुत्री, जो इतने महान नेता, किसान नेता हुए हैं और पहले हमारे उप प्रधानमंत्री हरियाणा के हुए हैं। तो मैं गायत्री बहन का स्वागत करता हूं पक्के से जी, और मालाओं से भी बहन गायत्री का स्वागत करता हूं। एक बार आगे थोड़े से आगे आ जाइए प्लीज, और उनके साथ में रणधीर जी, भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, तो उनका भी स्वागत है। गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और प्राची जो कि जींद से है और यशविनी जो कि चरखी दादरी से, उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और मेरा मन था कि मैं कुछ देर और रुकती यहाँ पर, लेकिन बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं आज रुक नहीं पाऊँगी यहाँ इतनी देर। और आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सागर शर्मा जी फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर, थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं यहाँ मेरे दादाजी के लिए अपील करने आई हूँ। मेरे दादाजी जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, चौधरी रंजीत सिंह जी, जो अभी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं हिसार से, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे दादाजी को वोट दीजिए और भारी मतों से उन्हें विजय बनाने का काम कीजिए। मेरे दादाजी की वैसे मैं अगर आपको खूबियाँ बताऊं तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य खूबियाँ ऐसी हैं जिनकी सभी तारीफ करते हैं जिनसे हम मिलते हैं। उनमें से कुछ ये है कि मेरे दादाजी ने अपना जो दोनों नंबर है उन दोनों को ही सार्वजनिक कर रखा है सभी के लिए। आप कभी भी उन्हें फ़ोन करके उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी अपने मन की बात कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे दादाजी के पास जब भी किसी का फ़ोन आता है तो मेरे दादाजी खुद उस फ़ोन को अटेंड करते हैं, और अगर कई बार नहीं अटेंड कर पाते, कई बार वो किसी मीटिंग में होते हैं, कहीं होते हैं, तो वो उसे फ़ोन ज़रूर करते हैं दोबारा और फ़ोन करके उनसे बात करते हैं। और हिसार से हमारा जो नाता है काफ़ी पुराना है, मेरे दादाजी मंत्री बनने से पहले भी हिसार आते रहे हैं, और क्योंकि मंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश की जिम्मेवारियाँ एक मंत्री के ऊपर होती हैं, तो मेरे दादाजी ने हर महीने की 5 तारीख को हिसार आते हैं, हिसार भी आते हैं और जींद भी आते हैं, और वहाँ PWD रेस्ट हाउस जो कि हिसार में है उसमें सुबह से लेकर रात तक सभी से मिलते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि लोग आ रहे हैं और PA से मिल कर जा रहे हैं, अपने काम नोट करवा रहे हैं, बल्कि सभी आकर सीधा मेरे दादाजी से मिलते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और साथ के साथ मेरे दादाजी उनका काम भी कर देते हैं जो भी उनका काम होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे दादाजी को भारी मतों से विजय बनाइए, और जीतने के बाद हम सब आपके बीच में ही रहेंगे, इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मेरे दादाजी का जो फेसबुक पेज है उसे खोल कर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कि मेरे दादाजी हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं और सभी के लिए खूब सारे उन्होंने काम किए हैं। और इसके अलावा एक जो मैं अपने मन की कोई बात रखना चाहूँगी वो ये है कि आज सभी दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ये तय करना मुश्किल है कि दोनों में से बढ़िया किसने किया, क्योंकि दोनों ही बच्चे अपने आप में यूनिक हैं। और मेरा मानना है कि हर बच्चा जो है किसी में भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने मन से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो बच्चा, हर बच्चा फर्स्ट है अपनी जगह। और साथ में मैं बच्चों के पेरेंट्स को भी यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि जो बच्चों ने मेहनत करी है कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने, मदर फादर ने, दोनों ने ही बड़ी मेहनत करी है बच्चों के लिए। कई बार रात रात जाकर अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाल के सभी माँ बाप का भी बच्चों के लिए बड़ा उन्होंने सहयोग किया बच्चों का, तो मैं उनको भी बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी। और सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी अपने बच्चों पर प्लीज़ पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर टैलेंट का कोई अंत नहीं है, हर जगह बहुत सारा टैलेंट है। तो अपने बच्चों को आप प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, जिस भी चीज़ में वो रुचि रखते हैं उस चीज़ में आगे बढ़ाइए, चाहे वो संगीत है, नृत्य है या फिर खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, तो उसमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद।